हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक सूद और ये मेरा पहला प्रयास है कुछ ऐसे सिंपल, इजी, सरल, छोटे छोटे लेसन्स बनाने का जिससे आपको इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज समझने में मदद मिले, आपकी ग्रामर और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला लेसन है, दिस इज़ ऑन आइडेंटिफाइंग इफ़ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सो लेट स्टार्ट। अभी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? अगर स्पीकर यानी कि बात करने वाला व्यक्ति खुद की बात करता है या अपने ओपिनियंस और फीलिंग्स की बात करता है तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब फर्स्ट पर्सन जब अपने बारे में बात करेगा वो बोलेगा मैं या हम। सो इंग्लिश में इट इज़ आई और वी। एग्जांपल देखते हैं। आई एम अ गुड शेफ। मैं एक अच्छा कुक हूँ। बोलने वाला व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक अच्छा कुक हूँ, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, जब बात करने वाला व्यक्ति अपने सामने वाले के बारे में बात करता है तो वो सेकंड पर्सन होता है, यानी कि यू, तुम, आप। एग्जांपल इज यू आर ए गुड शेफ। मैं बात कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छे कुक हो, तो वो सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन, जब बात करने वाला व्यक्ति किसी तीसरे आदमी की बात कर रहा है, ना वो अपनी बात कर रहा है ना वो सामने वाले की बात कर रहा है, वो किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही इज़ अ गुड शेफ। वह एक अच्छा कुक है। अब ना वो मैं हूँ ना वो आप हैं, हम किसी तीसरे बंदे को बोल रहे हैं कि वो एक अच्छा शेफ है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। ही, शी, इट, राम, श्याम, दे, देम, एटसेट्रा, ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। ओके, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाए। राम लाइक्स सीता। राम सीता को पसंद करता है, ये मैं बोल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो लोग यानी कि ना मेरी बात है ना आपकी, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। शताब्दी ट्रेन रन्स बिटवीन अमृतसर एंड न्यू दिल्ली एवरी डे। अगेन शताब्दी ट्रेन की बात हो रही है, ना मेरी ना आपकी, थर्ड पर्सन। वी फील सेफ हेयर एट स्कूल। हम यहाँ स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हैं। हम में मैं भी हूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गया। आई डोंट लाइक माई जॉब। मुझे मेरा काम पसंद नहीं है, अपनी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गया। यू डिड अ ग्रेट जॉब। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बोल रहा हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया, तो सेकंड पर्सन हो गया। होप इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत ही आसान है, आप खुद भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ट्राई कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट लेसन्स में आई विल स्टार्ट विद टेंसेज, तो उसमें आप ये बहुत मदद करेगा, आप देखोगे। और मैं आपको उसमें वर्कशीट्स भी दूंगा, प्रैक्टिस शीट्स, जिनको आप आंसर्स लिख के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल गिव यू दी करेक्ट सेंटेंसेस, आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, होप इट हेल्प्ड। आई विल ट्राई टू डू मोर वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस।